दूसरों पर विश्वास न रखकर स्वयं पर विश्वास रखो। आप अपने ही प्रयत्नों से सफल हो सकते हो, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण अपने ही बलबूते पर होता है। दोस्तों, भारत भूमि हमेशा ही ऋषि मुनियों, वीरों, महावीरों और महापुरुषों की जननी रही है। दोस्तों, भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में ऐसे महापुरुष, ऐसे महावीर रहे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे ही एक महावीर, एक ऐसे ही वीर के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें शेर है पंजाब भी कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम किन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि भविष्य में आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए, बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। लाला लाजपत राय जी की भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में अहम भूमिका रही। लाला लाजपत राय भारत फ्रीडम स्ट्रगल के वो महान सेनानी थे जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और अपने जीवन का एक एक कतरा देश के नाम कर दिया। दोस्तों, 28 जनवरी 1865 को लाला लाजपत राय जी का जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। उनके पिता लाला राधा कृष्ण अग्रवाल पेशे से अध्यापक और उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे। प्रारंभ से ही लाला लाजपत राय लेखन और भाषण में बहुत रुचि रखते थे। लाला लाजपत राय जी को शेर ए पंजाब का सम्मानित संबोधन देकर लोग उन्हें गर्म दल का नेता मानते थे। लाला लाजपत राय जी ने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की थी। वह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार और काफ़ी स्मार्ट थे। उन्होंने अपने स्कूल एजुकेशन पूरी करने के बाद 1880 में लॉ की स्टडी करने के लिए लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। वहीं से उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की थी। अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय हरियाणा के रोहतक और हिसार शहर में वकालत की, लेकिन लाला लाजपत राय जी का मन इस काम को करने में नहीं लग रहा था। लाला लाजपत राय जी जब हिसार में वकालत कर रहे थे, उस समय से उन्होंने कांग्रेस की बैठकों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 1885 में जब कांग्रेस का फर्स्ट सेशन मुंबई में हुआ था, तो उस समय लाला लाजपत राय बड़े उत्साह के साथ इस नए आंदोलन को देखना शुरू कर दिया था। वहीं इसके बाद 1888 में जब अली मोहम्मद भीम जी कांग्रेस की तरफ से पंजाब के दौरे पर आए, तब लाला लाजपत राय जी ने उन्हें अपने नगर हिसार आने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही उन्होंने इसके लिए एक सार्वजनिक सभा का भी आयोजन किया। वहीं इनको कांग्रेस से मिलने का पहला मौका मिला, जिसने इनके जीवन को एक नया राजनीतिक आधार दिया। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के अंदर बचपन से ही देशभक्ति और समर्पण की भावना थी। आपको ये भी बता दें कि इलाहाबाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्पेशल सेशन के दौरान उनके जबरदस्त भाषण ने वहाँ मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया, जिससे उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई और इससे उन्हें कांग्रेस में आगे बढ़ने की दिशा भी मिल गई। इस तरह धीरे धीरे लाला लाजपत राय जी कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता बन गए और फिर वह 1892 में वह लाहौर चले गए। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के लाहौर सेशन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद उन्हें हिसार नगर निगम का सदस्य चुना गया और फिर बाद में सचिव भी चुना गया। 1906 में उनको कांग्रेस ने गोपाल कृष्ण के साथ शिष्टमंडल का सदस्य भी बनाया गया। 1920 में नेशनल कांग्रेस ने उन्हें नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया था। दरअसल इस दौरान उनकी चाहने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी थी और उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें एक नेशनल हीरो बना दिया था। भारत की आज़ादी के महानायक लाला लाजपत राय जी ने अपने कर्मों से लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। इसी वजह से लोग उन पर भरोसा करने लगे थे और उनके फॉलोअर्स बन गए थे। इसके बाद उन्होंने लाहौर में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी का गठन किया था, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था।
वहीं उनकी बढ़ती लोकप्रियता का प्रभाव ब्रिटिश गवर्नमेंट पर भी पड़ने लगा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी उनसे डर लगने लगा था। ब्रिटिशर्स ने उन्हें कांग्रेस से अलग करना चाहते थे, लेकिन ये करना ब्रिटिश शासकों के लिए इतना आसान नहीं था और इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने उन्हें साल 1921 से लेकर 1923 तक मंडले जेल में कैद कर दिया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार को उनका ये दाव उल्टा पड़ गया, क्योंकि उस समय लाला लाजपत राय जी की फेम इतनी बढ़ गई थी कि लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे थे, जिसके बाद लोगों के दबाव में आकर अंग्रेज़ सरकार ने अपना फैसला बदल कर लाला लाजपत राय जी को जेल से रिहा कर दिया था। इसके 2 साल बाद जब लाला लाजपत राय जी जेल से छूटे तो उन्होंने देश से बढ़ रही सांप्रदायिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। दरअसल उस समय इस तरह की समस्याएं देश के लिए बड़ी खतरा बन चुकी थी। दरअसल उस समय की परिस्थितियों में हिंदू मुस्लिम यूनिटी के इम्पोर्टेंस को उन्होंने समझ लिया था और इसी वजह से 1925 में उन्होंने कलकत्ता में हिंदू जनरल असेंबली का इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, जहां उनके स्पीच ने हिंदुओं को देश के फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया था। दोस्तों, बात है 30 अक्टूबर 1928 की, जब साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में विशाल प्रदर्शन चल रहा था। इस प्रदर्शन में लाला लाजपत राय जी ने भी हिस्सा लिया था और इस प्रदर्शन में ब्रिटिश सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था और इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी बुरी तरह से घायल हो गए थे। उस समय उन्होंने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। और ऐसा ही हुआ। लाला जी के बलिदान के 20 साल के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य का अस्त हो गया। 17 नवंबर 1928 को लाठीचार्ज के दौरान आई चोटों की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।